नमस्कार दोस्तों, हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल पर मैं निखिलेश जैन आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि मुंबई में विश्व यूथ शतरंज चैंपियनशिप चल रही है और फिलहाल ताज़ा खबर यह है कि प्रज्ञानंदा जो है वो लीड कर रहे हैं, 5 राउंड के बाद सबसे आगे चल रहे हैं और उन्होंने लगातार जीत दर्ज की है 4th और 5th दोनों राउंड पर। उस पर भी हम अपना एक वीडियो लेकर के आएंगे, लेकिन आज ये मैं वीडियो लेकर के आया हूँ किंग्स इंडियन जो अटैक हम ओपनिंग तैयार करते हैं, हमारे ऑलरेडी 8-9 पार्ट हैं उसको कंटिन्यू करते हुए। प्रज्ञानंदा ने एक गेम खेला है इसी टूर्नामेंट के 2nd राउंड में किंग्स इंडियन ओपनिंग में और कुछ नए आइडियाज़ के साथ उन्होंने मैच खेला, तो मुझे लगा कि किंग्स इंडियन जो हम सीरीज़ बना रहे हैं उसके लिए एक अच्छा मैच हो सकता है। तो आइए देखते हैं इस मुकाबले में। प्रज्ञानंदा ने एंटोनी कोजाक को पराजित किया इस मैच में, 2-3-5-4 के प्लेयर है, मतलब इतना आसान नहीं था कि उनको कोई नॉर्मल खिलाड़ी को हराया, उन्होंने अच्छे प्लेयर को हराया जो कि इंटरनेशनल मास्टर बनने की कगार पर है। तो आइए देखते हैं ये मुकाबला कैसे हुआ। ये मैच प्रज्ञानंदा ने ये मैच शुरू किया Nf3 से, ठीक है। तो अपने इंटरव्यू में प्रज्ञानंदा ने कहा भी, जो कि उन्होंने चेस बेस इंडिया को दिया, कि एक दिन पहले वो ज़्यादा तैयार कर नहीं पाए थे क्योंकि शाम को मैच हुआ और उसके बाद अगले दिन 2 राउंड थे, तो शायद रेस्ट ज़्यादा किया, तो Nf3 उन्होंने यूँ ही खेला अपनी जो पुरानी तैयारी है उसके हिसाब से। Nf6, G3, C5। तो आप देखिए कि यहाँ पर हमने इससे पहले जो किंग्स इंडियन खेला है या देखा है, तो जब भी मैंने आपको बताया था कि Nf3 के में अगर कोई C5 या D5 करता है तो अधिकतर चालों में आप जो है आसानी से किंग्स इंडियन सेटअप पे जा सकते हो। यहाँ पे प्रज्ञानंदा वही कर रहे हैं, बिशप G2, Nc6, Castle E5। अब हमने यहाँ पर इससे पहले जो भी किंग्स इंडियन देखा है, हमने कई बार देखा है कि अपोनेंट D5 करते हैं यहाँ पर और फिर अपन D3 और E4 करके, पहले Nb2 करके और फिर हम किंग्स इंडियन सेटअप में एंटर करते हैं, ठीक है। यहाँ पे अपोनेंट ने डायरेक्ट E5 किया है। E5 अगर आपने पुराने वीडियो सुने होंगे तो आपको पता है कि E5 जो है वो एक तरह से यहाँ पर बोटविनिक सेटअप है ब्लैक की तरफ से, ओके। E4, बिशप E7, अभी भी डी पॉन को जो है टच नहीं किया उन्होंने, D3 और कासर। अच्छा, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि मैच नहीं खेले गए हैं, यहाँ पर काफ़ी सारे मैच हैं जो कि इवन सीड्स खिलाड़ियों ने खेले हैं। यहाँ पर श्याम सुंदर ग्रैंड मास्टर आप जानते हैं, उन्होंने मैच खेला है, कास्परो ने भी एक बार इस लाइन पर मुकाबला खेला है, और इससे पहले की अगर मैं बात करूँ 1-2 लाइन पुरानी तक, तो यहाँ पर जब तक D3 नहीं करते हैं यहाँ पर अगर आप देखें तो 2 चालें हो सकती हैं अलग अलग, जो कि अरोनियन ने खेली है, Nc3 पहले खेला है, तो यहाँ पर D3, ठीक है, Nc3 पहले भी जो खेला गया, तो यहाँ से कन्वर्ट हो जाएगी लाइन बाद में Nc3। तो जैसे ही प्रज्ञानंदा वापस Nc3 खेलते हैं तो अरोनियन ने करजाकिन को हराया है 2017 में इसी वेरिएशन में इसी लाइन में, ओके। सो D6 और अब चाल आती है जो कि बहुत कम खेली गई है, इस ठीक पोजिशन में किंग H1 खेला है अरोनियन ने करजाकिन के खिलाफ, और इसी पोजीशन में A4 खेला है पावेल एलेजिनोव, आप जानते हैं बहुत अच्छे प्लेयर हैं, 2760-2765 रेटिंग रह चुकी है अभी 1 साल पहले उनकी, तो उन्होंने भी इस पोजीशन को खेला है करजाकिन के खिलाफ और जीत दर्ज की है करजाकिन से। हालांकि उन्होंने सेम लाइन में एक मैच और खेला है जिसमें वो हारे हैं, तो यहाँ पर इससे पहले 2 लाइन थी A4 और किंग H1, पर यहाँ पर प्रज्ञानंदा ने खेला Nd5, तो ये थोड़ी सी तैयारी थी प्रज्ञानंदा ने, जो इससे पहले प्रज्ञानंदा ने शायद एक दो कहीं ना कहीं प्रैक्टिस मैच में देखा था। अगर आप डाटाबेस में जाएंगे तो सिर्फ आपको 11 गेम मिलेंगे खेले हुए, और प्रज्ञानंदा शायद पहले ग्रैंड मास्टर है जिन्होंने टॉप लेवल पर विश्व चैंपियनशिप जैसे टूर्नामेंट्स में ये वेरिएशन खेला हो, Nd5 Ed5। और अब जैसे Nd4 नीचे आया तो प्रज्ञानंदा ने अपने पहले से डिसाइड हुई जो चाल खेली वो थी Nd2, और इस तरह की पोजीशन में ये बिल्कुल नॉवेल्टी है, इससे पहले Nd2 चाल जो है वो कभी खेली ही नहीं गई है। अच्छा, प्रज्ञानंदा का कहना ये था कि अगर वो यहाँ पर Nd2 D4 एक्सचेंज करने के लिए जाते हैं तो ये ऑलमोस्ट ड्रॉइस पोजीशन बन जाएगी, आप देख सकते हैं कि 2-2 बिशप है, 2-2 रुक है, 1 क्वीन, तो ये पोजीशन में कुछ खास हासिल करना मुश्किल है, और ये C2 पर जो है आपके लिए एक हल्का सा यहाँ पर प्रेशर भी जरूर रहेगा। एनीवे, तो प्रज्ञानंदा ने डिसाइड किया Nd2। अब आपके पास देख सकते हैं कि 2 इंपॉर्टेंट स्क्वायर दिख रहे हैं आपके पास, E4 और C4, ओके। यहाँ पर अपोनेंट कई तरह से इस तरह से चाले भी चलते हैं, F5 या फिर B5 आप यहाँ पर नहीं चल सकते, अगर आप यहाँ पर B5 चलेंगे C4 के स्क्वायर को कंट्रोल करते हुए, तो नेक्स्ट A4 आ रहा है
और चूंकि अभी ये कनेक्टेड नहीं है रुक और बिशप और ये यहाँ पे सपोर्ट नहीं है, सो आप A6 वगैरह खेल नहीं सकते, तो यहाँ पे या तो आपको मारना होगा या आपको आगे बढ़ना होगा। दोनों कंडीशन में जो C4 स्क्वायर, जैसा हम जानते हैं किंग्स इंडियन में नाइट D2 से जब भी आता है तो वो C4 पर जाता है, तो शुरुआत में ही, लेकिन अभी तो खैर टर्न हो गया है, लेकिन अल्टीमेटली वो स्क्वायर किंग्स इंडियन में हमेशा आपके काम आएगा। तो इसीलिए उन्होंने B5 नहीं खेला। यहाँ पर उसके अपोनेंट ने एक चाल खेली बिशप G5। ओके, जैसे बिशप G5 खेला यहाँ पर, तो प्रज्ञा नंदन ने सबसे पहले तो A4 किया ताकि B5 को स्टॉप करे, तो C4 का स्क्वायर आपके लिए परमानेंट हो जाएगा। C4 का स्क्वायर परमानेंट होने का मतलब हमेशा D6 पर एक प्रेशर बना रहेगा। ओके, B6। अब जैसे ही B6 खेला तो प्रज्ञा नंदन ने अपने इंटरव्यू में कहा कि वो कुछ सर्च कर रहे थे, वो F4 डेस्परेटली खेलना चाह रहे थे, और फिर सडनली उनके दिमाग में प्लान आया कि F4 आ रहा है। यस, उन्होंने खेला यहाँ पर, देखिए बहुत अच्छी चाल रही है, E4 सो नाइट E4 आप अभी मार नहीं सकते हैं ये पॉन, क्योंकि ये बिशप आपका हैंगिंग है, डबल अटैक हो रहा है उस पर। ओके, सो अब यहाँ पर ये पॉन आपको वापस तो मिलेगी, तो मोस्टली हम जो है यहाँ पे पॉन जो वापस लेंगे वो बिशप E4 मारेंगे। तो यहाँ पर अपोनेंट के पास एक आइडिया था, अभी तो उनके बिशप पर अटैक है, अगर बिशप बचाना है तो बिशप F6 करके गेम कंटिन्यू कर सकते थे, या फिर F6 एक ऑप्शन हो सकता था। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आप मार नहीं सकते हैं कभी भी, आप मारेंगे तो ये जो पोजीशन है ये ब्लैक की अच्छी हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि आप अगर मारेंगे उसके बाद G4 खेल दिया जाएगा और ये बेटर हो जाएगा ब्लैक के लिए, क्योंकि आप देखिए F3 स्क्वायर भी नाइट भी बैठा हुआ है यहाँ पर। एनीवे, तो अपन यहाँ पर उन्होंने जो चाल खेली वो थी H6। वंस अगेन नाइट G5 जो है वो यहाँ पर सही चाल नहीं है। एनीवे, तो यहाँ पर प्रज्ञानंदन ने खेला बिशप इंटू एफ फोर, रुक F4, और अब जो चुनौती है वाइट के सामने, अगर आप कंपेयर करेंगे तो ब्लैक ने का ये जो एक पॉन है, इसने एक तो इस पॉन को पीछे रोक के रखा है, तो ये एक वीकनेस बनी हुई है, यहाँ पर थोड़ी थोड़ी वीकनेस है, साथ साथ नाइट का देखिए एरिया रिस्ट्रिक्ट हो रहा है, ज़्यादा जगह है नहीं नाइट के पास, ऑलरेडी यहाँ पर जा नहीं सकते, यहाँ पर जा नहीं सकते, सारे स्क्वायर आपके पास बंद है, एक ही स्क्वायर यहाँ पर F5, और फ्यूचर में जब भी हम C3 पुश करेंगे नाइट को हटना पड़ेगा। तो ब्लैक को लगा कि सबसे पहले मैं अपने नाइट को इम्प्रूव कर लेता हूँ, बट जैसे क्वीन D2, अब आप देखिए रुक F1 आ रहा है, तो उन्होंने यहाँ पे बहुत नेचुरली खेला नाइट E7, पर ये जो दो चाल लगी आपको, जब आप देखिए रुक इनटू F4 के बाद नाइट हटा, और उसके बाद यहाँ पर जैसे नाइट पीछे हटता है आप, तो एक ब्रिलियंट मूव लेकर के आए प्रज्ञानंदन, तो दो चाल यहाँ पर लगी ना, नाइट F5 और नाइट E7, दो चाल यहाँ पर नाइट के ऊपर लगी, उन दोनों चालों में वाइट अचानक बेटर हो गया। अब ये पोजीशन थी, और यहाँ पर प्रज्ञानंदन ने देखा कि नाइट जो है वो कट ऑफ है, नाइट क्या कर रहा है कि कट ऑफ कर रहा है क्वीन को किंग की तरफ आने में, और आप खुद देखिए कि यहाँ पर राजा के आसपास आपको थोड़ी कमजोरी नजर आएगी। अब क्वीन नाइट रुक दूसरा रुक भी आ रहा है, और ये बिशप भी है, जरूरत पड़ने पर E4 पर आ सकता है। यहाँ पर प्रज्ञानंदन ने बहुत अच्छी चाल खेली रुक F6, D6 पर अटैक है और H6 पर भी अटैक है, आप अगर मारेंगे आप देखिए कि मारने पे क्या होगा, क्वीन इनटू H6 और नाइट F6 जो है वो ऑलमोस्ट फोर्स है, आप रोक नहीं सकते, मैक्सिमम आप ये नाइट से पॉन मार सकते हैं, बट C4 के बाद आप देखेंगे ये गेम हाथ से चला जाएगा ब्लैक के। तो उन्होंने यहाँ पर क्या किया, रुक F6 का जवाब दिया नाइट F5 से। जैसे नाइट F5 खेला, यहाँ पर प्रज्ञानंदन के पास एक्चुअली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मूव था, रुक F1 खेल सकते थे, और अगर यहाँ पे G F6 आता बिशप H3 के बाद ये मैच बचेगा नहीं। आप देखिए अगर आप नाइट हटाएंगे तब तो सीधा सीधा क्वीन H6 और नाइट F6 आ ही रहा है, नाइट G3 मारना पड़ेगा, बिशप इंटू G3 को रुक F6 और उसके बाद फिर क्वीन H6 अनस्टॉपेबल है। तो खैर उन्होंने इस पोजीशन में प्रज्ञानंदन ने एक और इंटरेस्टिंग मूव खेला नाइट F5 के बाद, प्रज्ञानंदन ने खेला G4 और अपना रुक एक्सचेंज सेक्रीफाइस दे दिया, पॉन F5 पर आ गया। पॉन के F5 में आने से फायदा ये हुआ है अभी इस पोजीशन में, अगर आप देखेंगे तो ये जो बिशप है ये ऑलमोस्ट डेड है, ये गेम में है ही नहीं, ये किसी भी तरह से गेम में नहीं आ सकता है, बाद में C4 भी आ जाएगा, तो जब तक ये गेम में नहीं आ रहा ये रुक गेम में नहीं आ रहा। तो यहाँ पर अपोनेंट के पास सिर्फ दो मोहरे हैं, जबकि आपके पास अभी आप रुक भी ला सकते हो, क्वीन भी है, बिशप भी काम आ सकता है, नाइट भी आ सकता है, तो यहाँ पर किंग जो है वो काफ़ी अकेला
जो पढ़ रहा है उसका कंपनसेशन यहाँ पे मिल रहा है किसको, वाइट को। तो बहुत अच्छा था सेक्रीफाइस। किंग जी सेवन आए यहाँ पर, अपने रुक को एक्टिवेट पीछे से डिफेंस के लिए लेकर के आए। प्रगनंदा यहाँ पर बहुत अच्छी चाल चल सकते थे, वो थी क्वीन एफ फोर, ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चाल होती और प्रगनंदा इसमें ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती। लेकिन प्रगनंदा ने यहाँ पर जो एक दो चालें खेली उससे ब्लैक के पास कुछ वापसी का मौका था, लेकिन प्रैक्टिकली बोर्ड पर वो सब निकालना ढूंढना इतना आसान नहीं होता है, खासतौर पर जब आपको बार बार डर लगे कि आपके किंग के आसपास बहुत खतरा नज़र आ रहा है। खासतौर पर ये एफ सिक्स स्क्वायर, नाइट एच फाइव, किंग भी क्वीन भी कभी भी आएगा, रुक भी आ रहा है, और खासतौर पर इस फाइल का भी आप फ़ायदा नहीं ले सकते, कभी भी इसको ब्लॉक किया जा सकता है बिशप ई फोर और नाइट ई फोर के साथ। एनीवे उन्होंने यहाँ पर खेला किंग एच सेवन, ओके उन्होंने खेला किंग एच वन, रुक जी एट, डिफेंस में थोड़ा इम्प्रूव करना चाह रहे थे, जी सिक्स से तो नहीं डिफेंस कर सकते पर कम से कम ई फाइव पर तो आ सकते हैं, जी फाइव पर यहाँ पर, तो ये भी तैयार थे कि कभी जरूरत पड़ेगी तो एक्सचेंज सेक्रीफाइस दे दिया जाएगा। लेकिन मेन कंसर्न है कि ये मोहरे कैसे बोर्ड पर खेलेंगे। ओके क्वीन एफ टू, और यहाँ पर उनके अपोनेंट ने एक अच्छी चाल खेली रुक बी एट। एक्चुअली मैं अगर आप यहाँ पर अच्छे से चेक करेंगे तो ब्लैक के पास एक अच्छी चाल है आने वाले समय में, और ब्लैक गेम में थोड़ा सा इवन बेटर भी हो सकता है क्योंकि एक्सचेंज अप है। अगर प्रगनंदा कुछ हासिल नहीं कर पाए और ये पीसेस उनके खेलने लग गए ब्लैक के, खासतौर पर बिशप और रुक, तो ये दिक्कत में आ सकते थे प्रगनंदा यहाँ पर। यहाँ पर रुक ईवन, और ये वो मोमेंट था जब प्रगनंदा के अपोनेंट जो है बी फाइव जैसी चाल चल सकते थे और पोजीशन को ओपन कर सकते थे, और अगर ये पोजीशन ओपन होती तो ब्लैक के लिए अच्छी हो जाती। तो एक्चुअली में जो मिस हुआ वो रुक एफ वन था, ये अगर यहाँ पर तो यहीं पर गेम खत्म होता, और क्वीन एफ फोर भी बेहतर एक चाल थी। यहाँ पर भी प्रगनंदा यहाँ तक बेटर ही था, अच्छा ही खेल रहे थे, ओपनिंग का जो एडवांटेज था सब लिया उन्होंने। पर रुक बी एट के बाद खैर मजेदार चीज़ ये हुई कि यहाँ पर प्रगनंदा के अपोनेंट प्रगनंदा के आने वाले प्लान से काफ़ी डर गए, उनको लगा कि ये जो रुक आ रहा है ये रुकेगा नहीं और क्वीन भी आ रहा है, तो उन्होंने यहाँ पर रुक इंटू जी थ्री एक्सचेंज वापस कर दिया। तो कभी कभी प्रेशर भी एक बड़ी चीज़ होती है, प्रेशर हैंडल नहीं कर पाया उनके अपोनेंट। एच जी थ्री रुक बी सेवन आए, पर उसके बाद प्रगनंदा ने बहुत ही बढ़िया तरीके से स्मूथ तरीके से, और इसमें आप देखिए जिस तरह से ब्लैक अपने पीसेस को खेल रहे हैं, खासतौर पर जब वो रुक ई फाइव लेकर गए तो ये बहुत ही मज़ेदार था। प्रगनंदा ने सिंपल बिशप ई फोर खेला, और आप देखिए कि फिलहाल ये बिशप भले पॉन का काम कर रहा है बट इनडायरेक्टली जी सिक्स तक सपोर्ट कर रहा है, और ये बिशप तो पूरी तरह से बंद है, तो ठीक है। अब आप ये देखिए कि ये बिशप भी जब जैसे सी फोर की अगली चाल में यहाँ पर, अब आप ये देखिए कि ये बिशप तो डेड है, ये कुछ ज़्यादा प्ले में आ ही नहीं सकता, कहीं से भी नहीं आ सकता, तो एक प्रकार से ये है ही नहीं गेम में। ये बिशप क्या कर रहा है कि इसने इस रुक को बंद करके रखा है पूरी तरीके से, तो दोनों बिशप ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन फिर भी वाइट का बिशप जो है वो बेटर है ब्लैक के बिशप से। क्वीन ऑलमोस्ट बंद है अंदर, तो अब ये जो दो मोहरे हैं ये किंग के खिलाफ, ये जो वीकनेस है इसके खिलाफ काफ़ी कुछ कर सकते हैं, और बहुत ही आसानी से किया। प्रगनंदा के पास काफ़ी स्पेस है, काफ़ी चाल है, ब्लैक एकदम जाम है यहाँ पर। उन्होंने खेला बिशप सी एट, प्रगनंदा धीरे धीरे अपने पीस इंप्रूव करते गए, क्वीन एफ फोर, क्वीन एफ एट, क्योंकि एच सिक्स पर अटैक आने वाला था तो जरूरी था वहाँ पर वापस आना। किंग जी टू, बिशप डी सेवन, तो बी थ्री क्या एक एक करके अपने मोहरों सबको ठीक कर रहे थे। क्वीन एच एट गए डिफेंस के लिए, तो रुक एच फोर, किंग यहाँ पर जी सेवन, तो प्रगनंदा ने खेला रुक जी थ्री। अब आइडिया यहाँ पर जो है वो जी फोर आ रहा है, यहाँ पर जो सही चाल थोड़ा सा अगर आप डिफेंस करने की कोशिश करेंगे, फॉर एग्जाम्पल कि समथिंग लाइक क्वीन एच सेवन कंटिन्यू करें डिफेंस, सो जी फोर मूव आ रहा है, और उसके बाद एक्चुअली एक थ्रेट आ रहा है अगर अपोनेंट सिर्फ बिशप मूव करता भी है, क्वीन एच टू, और अब जी फाइव का थ्रेट बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहा है। एक बार किंग को मूव करना होगा क्योंकि आपको ये डायगोनल से थोड़ा सा अपने किंग को दूर रखना है वरना चेक आ सकती है। बिशप डी सेवन, और उसके बाद आप देखिए यहाँ पर किंग जी वन भी चलेगा, बिशप सी एट, और ये जी फाइव, ये जो थ्रेट है ये अनस्टॉपेबल है क्योंकि पीसेस सारे जाम है, आपके किंग हिल नहीं रहा, क्वीन हिल नहीं रहा, रुक के रुक को ऊपर पीछे कर सकते हैं जैसे कि बिशप को किया, तो ये जो जी फाइव का थ्रेट है ये अनस्टॉपेबल है बोर्ड पर और इसको रोकना मुश्किल है। तो यहाँ पर उनके अपोनेंट ने देख लिया था शायद ये, तो उन्होंने सोचा कि पॉन दे के निकल के कोशिश करते हैं गेम को बचाने की, बट यहाँ पर ज़्यादा कुछ था नहीं। प्रगनंदा ने अपने पोजीशन को सही तरीके से होल्ड किया, क्वीन को इम्प्रूव किया, और उसके बाद रुक की एंट्री करा दी अंदर की तरफ। एक बार किंग एफ फोर भी बहुत मज़ेदार था देखना लाइव, कि बोर्ड पर अभी भी क्वीन है, रुक है, बिशप है, उसके बाद भी किंग एफ फोर ऐसा एकदम ओपनली आ रहा है, पर आप चेक तक नहीं दे सकते, देखिए कोई एंट्री नहीं है बोर्ड पर। बहुत ही ज़बरदस्त अंदाज में पराजित किया, ए सिक्स काफ़ी देर हो गई थी वहाँ पर, और रुक एच एट के बाद यहाँ पर किंग जी सेवन रखा उनके अपोनेंट ने, क्वीन जी सेवन, और खुद ही रिजाइन कर दिया।
तो किंग्स इलेवन अटैक पे एक बेहतरीन गेम, एक नजर डालते हैं शुरुआत में जो हुआ, ये जो सेटअप है यहाँ पे जो सीखने लायक बात है, ध्यान रखिएगा इस सेटअप पे कभी कभी आप नाइट C3 और नाइट D5 भी खेल सकते हैं। प्रज्ञानंदा का गेम आपके लिए आइडियल है और आप सीख सकते हैं कि किस तरह से आक्रमण, खासतौर पर इंटरेस्टिंग जब F4 आया ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, और उसके बाद नाइट E4 और ये भी बहुत इंटरेस्टिंग था कि कभी रुक F6। तो ये गेम में काफ़ी हाइलाइट्स थे, प्रज्ञा ने काफ़ी अच्छा खेला किंग्स इलेवन अटैक में, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये गेम पसंद आया होगा। किंग्स इलेवन सीरीज़ का ये था हमारा एक और वीडियो, इसके बाद भी हम किंग्स इलेवन पर अगर जो भी कोई खिलाड़ी लाइव कुछ भी करेगा, कोई भी गेम खेलेगा, हम उस पर अपडेट लाते रहेंगे। चेस पीस इंडिया के लिए मैं निखिलेश जैन, जय हिंद।